हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग जो एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन का जो कूलिंग मेथड है उसको स्टडी कर रहे थे, रुदोष्म विचुंबकन को, और हमने कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा था, कुछ इस तरीके से था ये। और इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को मैं एक बार हल्का सा रिकेप कर देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, छोटी सी ट्यूब लेते हैं, ए ट्यूब बोलते हैं जिसको, उस ट्यूब के अंदर वो मटेरियल रख लेते हैं जो अनुचुंब के प्रकार का हो, पैरामैग्नेटिक। और जनरली इसको, इसके लिए हम लोग गैडोलिनियम सल्फेट लेते हैं क्योंकि वो भी पैरामैग्नेटिक होता है, तो वो इसमें पुट कर देते हैं। फिर इसको एक फ्लास्क में रखते हैं जिसको दीवार फ्लास्क कहते हैं, और दीवार फ्लास्क को भी हम लोग लिक्विड हीलियम के अंदर रख देते हैं। लिक्विड हीलियम भरा हुआ एक पात्र है, इसके अंदर रख देते हैं। इसको भी हम लोग हाइड्रोजन गैस का एक पात्र होता है जिसमें हाइड्रोजन गैस, लिक्विड हाइड्रोजन गैस होता है, उसमें रख देते हैं। और इस सारे सेटअप के दोनों तरफ हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं। अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होंगे, ये जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है ये क्या होंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये अलाइन हुए, अलाइन हो गए, अभी इसके बाद में ये जो इस दीवार फ्लास्क के अंदर कोई गैस या कोई एयर थी उसको बाहर निकाल दिया, उसको बाहर निकाल दिया, तो ये जो है ये सिस्टम कैसा बन गया, एडियाबेटिक बन गया। एडियाबेटिक मतलब रुदोष में, ताकि अब बाहर से कोई एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। अब हम लोग इसका मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे तो ये इस सिचुएशन से वापस से इस सिचुएशन में आएगा। तो इस सिचुएशन में आने के लिए इनको क्या घूमना पड़ेगा, अणुओं को, और अणु घूमेंगे तो रोटेशन होगा, घूर्णन होगा। अब घूर्णन के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, या तो आ सकती है बाहर से या मटेरियल के अंदर से। अब बाहर से तो नहीं आ सकती क्योंकि हमने रुदोष में बना दिया, इसके अंदर ये पूरा जो सिस्टम है ये रुदोष में हो गया। ये रुदोष में मतलब एडियाबेटिक, मतलब यहाँ से बाहर से कोई एनर्जी नहीं आ सकती, बाहर से एनर्जी नहीं आएगी, तो ये जो मटेरियल है इसके अंदर से ही एनर्जी लेनी पड़ेगी, और अंदर से एनर्जी लेनी पड़ेगी तो मटेरियल ठंडा हो जाएगा, ऐसे कूलिंग होता है। ठीक है, शीतलन हो जाता है ऐसा। तो लिखो, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसी में जो मेथड लिख रहे थे, विधि लिख रहे थे, उसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब चुंबकीय क्षेत्र को हटाया जाता है, नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। अब चुंबकीय क्षेत्र को हटाया जाता है, नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड, चुंबकीय क्षेत्र को हटाया जाता है, जिससे सभी अणु घूर्णन करके पुनः यादृच्छिक स्थितियों में जाएंगे। सभी अणु घूर्णन करके पुनः यादृच्छिक स्थितियों में जाएंगे, यादृच्छिक स्थितियों में जाएंगे। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड, सो ऑल द मॉलिक्यूल्स विल रेंडमाइज अगेन एंड दीज विल रोटेट। For the rotation, the energy will be taken from the material itself. घूर्णन के लिए आवश्यक ऊर्जा पदार्थ से ही, घूर्णन के लिए आवश्यक ऊर्जा अनुचुंबकीय पदार्थ से ही ली जाती है, जिससे इस पदार्थ का शीतलन हो जाता है। एंड इन दिस वे पैरामैग्नेटिक मटेरियल विल कूल डाउन। इस तरीके से इस मटेरियल का जो टेम्परेचर है वो करीब करीब 0.001 केल्विन के आसपास पहुंच जाता है, कि जो कि बहुत कम होता है, मतलब 10^-3 केल्विन इसके नज़दीक पहुंच जाता है। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, और लिख लो, इस विधि की सहायता से गैडोलिनियम सल्फेट का तापमान
गैडोलीनियम सल्फेट का तापमान 10^-3 केल्विन, गैडोलीनियम सल्फेट का तापमान 10^-3 केल्विन तक पहुंच जाता है, तक पहुंच जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द गैडोलीनियम सल्फेट, द टेम्परेचर ऑफ द गैडोलीनियम सल्फेट रीचेस अप टू 10^-3 केल्विन, रीचेज अप टू 10^-3 केल्विन बाय दिस मेथड, 10^-3 केल्विन बाय दिस मेथड, बाय दिस मेथड। ठीक है, ये तो हो गया इसका सारा सब कुछ थ्योरी। अब इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, इसका फॉर्मूला वगैरह बनाते हैं। तो चलिए भैया, मैथमेटिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस यह है गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण देखिए क्या हो रहा है, हमारे को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से, प्रथम नियम से, प्रथम नियम से फर्स्ट लॉ से ये होगा डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये होगा एक तो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, एक चीज तो ये होगी। ठीक है, आगे देखिए डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस, देखिए एक चीज समझना मेरी बात, मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में जो वर्क डन आता है वो इस तरीके से आता है, चुंबकीय क्षेत्र में कार्य, चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन में किया गया कार्य, घूर्णन में किया गया कार्य, रोटेशन होता है ना मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, तो वो ऐसे होता है वर्क डन इन द रोटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो वर्क डन होता है, कार्य होता है, वो इस तरीके से आता है कैसे, डी डब्ल्यू जो आता है माइनस बी डी आई ऐसे मिलता है, बी तो मैग्नेटिक फील्ड है चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड, और जो आई है, आई क्या होता है जड़त्व आघूर्ण होता है ना, आई मैग्नेटिक सॉरी जड़त्व आघूर्ण को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में जड़त्व आघूर्ण हो गया, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है आई। तो डी डब्ल्यू को इस तरीके से लिखते हैं इक्वेशन नंबर टू, अगर मैं इसको ऐसे कंपेयर करूं ना, डी डब्ल्यू वैसे अपने पास क्या होता है, डी डब्ल्यू होता है अपने पास में पी डी वी होता है ना, और यहां पर क्या है माइनस डी आई ऐसा है। तो अगर इसको पॉज करके कॉपी कर लेना एक बार, देखो ये होता है डी डब्ल्यू पी डी वी होता है, तो यहां से अगर कंपेयर करूं तो जो पी है उसकी जगह तो आ गया माइनस बी, और जो वी है उसकी जगह आ गया अपने पास में, जो V है उसकी जगह आ गया अपने पास में I, ऐसे आया है ना, ये वर्क डन है। तो देखो मैं ये पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर वन एंड टू से, बाय वन एंड टू, बाय इक्वेशन वन एंड टू, वन एंड टू से ये आ रहा है क्या, डी क्यू इक्वल टू डी यू माइनस बी डी आई। ठीक है, आगे चलिए,
ये डी क्यू होता है, टीडीएस होता है, तो ये हो गया डी यू माइनस बी डी आई। डी यू जो है वो आ गया टी डी एस प्लस बी डी आई। ये मिला, क्लियर है क्या? ठीक है, चलो एक बार तो इसको यहां पे लिख लो, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दो, इसको समीकरण नंबर 3 कर लो। आगे चले, आगे चलिए, ये ऐसे है ठीक है, पॉज करके कॉपी कर लेना। आगे चलते हैं, बाय मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल रिलेशन से देखना, मैक्सवेल रिलेशन, मैक्सवेल संबंध से क्या होता है, जैसे मैक्सवेल संबंध होता है एक ऐसा, डेल टी बाई डेल पी, और ये होता है एस, और ये आएगा डेल वी बाई डेल टी। आ गया तो यहाँ पे आएगा एस, यहाँ पे पी है तो यहाँ पे वी आएगा, यहाँ पे वी है तो यहाँ पे पी आएगा, ऐसा। टी वी कहीं पे ऊपर नीचे है नहीं तो ये पॉजिटिव आएगा। ये एक मैक्सवेल रिलेशन होता है। इस मैक्सवेल रिलेशन से देखो, मैं कुछ जुगाड़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको मैं टी से ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूँ, इसको टी से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे जो मल्टीप्लाई किया उस टी को अंदर ले गया, मैं ले जा सकता हूँ ना, बाहर तो अंदर ले गया। ये टी डेल्टा एस है वो डी क्यू होता है। देखो सिंस अपने पास में पता है कि डी एस जो होता है वो डी क्यू बाई टी होता है, तो डी क्यू क्या होगा, टी डी एस होता है। तो डी की जगह डेल लिखू तो डेल क्यू इक्वल टू टी डेल एस हो जाता है, ऐसा होता है वो होता है। तो यहाँ पे देखना, डेल टी बाई डेल पी एस, और ये है टी, और ये चल रहा है डेल वी, और टी डेल एस को हम लोग डेल क्यू लिख सकते हैं, डेल क्यू पी, ऐसे होता है ठीक है। अब देखना, हम लोगों को एक चीज पता है कि पी माइनस बी के बराबर होता है, वी आई के बराबर होता है, P माइनस वी के बराबर होता है। और तो पी मतलब पी जो है प्रेशर मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहा है और वी आई को डिनोट कर रहा है। तो देखो यहां से अगर हम लोग बात करें, तो ये ऐसा है, कैसा है, टी जो है टी तो टी आ गया, वी की जगह आ गया आई, ये आ गया क्यू, ऐसा आ गया। पी है उसकी जगह लिख दिया मैंने बी, वैसे तो माइनस बी आना चाहिए लेकिन पी यहां पे कांस्टेंट शो कर रहा है, तो माइनस बी को कांस्टेंट बताओ या बी को कांस्टेंट बताओ, एक ही बात है ठीक है। आगे हम लोग यहां से बात करें, डेल टी और डेल पी की जगह आ जाएगा डेल बी, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं ठीक है। ये कुछ इक्वेशन मिला अपने को, एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ तक करेक्ट है कि नहीं, आगे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है। ठीक है, ये ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आगे अगर हम लोग बात करें, ये कुछ इस तरीके से आएगा, डेल टी बाय डेल बी एस, इसमें अगर मैं ऐसे बात करूं माइनस टी डेल आई बाय, मैं काम करता हूं डेल टी से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, डिवाइड भी कर देता हूं, डिवाइड भी कर देता हूं। इसमें देखिए माइनस टी डेल आई बाई डेल टी
इसको इसके साथ ले रहा हूँ मैं, इसको इसके साथ ले रहा हूँ और इसको इसके साथ में, तो इसको अलग कर देता हूँ और इसको अलग कर रहा हूँ डेल टी बाई डेल क्यू कॉन्स्टेंट बी। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे लिख रहे हैं, पॉज करके कॉपी कर लेना एक बार। ये है डेल टी बाई डेल बी एस माइनस टी, ये है डेल आई बाई डेल टी कॉन्स्टेंट बी। इसको नीचे ले आता हूँ, नीचे लाऊंगा उल्टा हो जाएगा ये, इसको देखो एक बार, ये वापस से ऊपर जाएगा तो ये डी टी ऊपर चला जाएगा, डी क्यू यहाँ आ जाएगा, वापस से ऐसा बन जाएगा। ऐसे लिख दिया मैंने, ये इक्वेशन नंबर हो गया, कहाँ तक हो गया, इक्वेशन नंबर हो गया थ्री तक हो गया ना, इसको मैं इक्वेशन नंबर फोर कर रहा हूँ। देखिए इसको इक्वेशन नंबर फोर कर रहा हूँ, इसमें डेल क्यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट बी है। ये क्या है देखो, डेल क्यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट बी, ये क्या है, स्पेसिफिक हीट नहीं है क्या, लेकिन ये स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पे है। जैसे ये यहाँ पे पी आता तो नियत दाब पर स्पेसिफिक हीट होता, विशिष्ट ऊष्मा नियत दाब पर, यहाँ पे वी आता तो नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा होता, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर, यहाँ पे बी आ गया तो नियत चुंबकीय क्षेत्र पर विशिष्ट ऊष्मा आया है, एट मैग्नेटिक एट कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड स्पेसिफिक हीट है ये। इसको इस तरीके से लिखते हैं, जैसे एम सी बी, स्पेसिफिक हीट को तो ऐसे लिख देते हैं हम लोग सी बी, लेकिन अगर पर मोल के लिए बात करें तो हम लोग इसको पर मोल के लिए बात करें तो यहाँ पे एन लिख देते हैं, और पर ग्राम के लिए बात करें तो इसको हम लोग एम लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये आया। तो यहाँ से मैं बात करूँ तो ये डी क्यू बाई डेल क्यू बाई डेल टी, ये क्या हो गया अपने पास में, सी बी जो है वो सी बी क्या है, सी बी है अपने पास में स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। नियत चुंबकीय क्षेत्र पर, नियत चुंबकीय क्षेत्र पर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, अब देखिए आगे ये क्या बनता है, डेल टी बाई डेल बी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी, ये बन रहा है यहाँ से माइनस टी, ये ऊपर वाला तो डेल आई बाई डेल टी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है एट कॉन्स्टेंट बी, नीचे वाला बना एम सी बी। ठीक है, ये बन गया एम सी बी। जनरली एक ग्राम के लिए बात करते हैं तो ये एम वन लिख देते हैं, बाकी ये ऐसा बच जाता है। ठीक है, क्लियर है, इसको इक्वेशन नंबर लिख देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फाइव। दिस इज इक्वेशन नंबर फाइव, आगे चले। देखो पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, उसके लिए मैडम क्यूरी ने एक इक्वेशन दिया था, वो ऐसा है, चुंब के जो प्रवृत्ति होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, जिसको बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति ससेप्टिबिलिटी फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, इसको काई से लिखते हैं, काई जाई भी बोलते हैं, इसको काई बोल रहा हूँ मैं। काई होता है सी बाई टी, टी होता है टेम्परेचर और सी जो होता है वो क्यूरी कांस्टेंट होता है, क्यूरी नियतांक, क्यूरी मैडम क्यूरी ने बताया था क्यूरी नियतांक, क्यूरी कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा होता है। इसका एक और फॉर्मूला होता है काई सी बाई टी जो होता है वो म्यू नॉट आई बाई, या मैं इसको, इसका एक और फॉर्मूला होता है, ये ऐसे लिख देता हूँ मैं, ये होता है म्यू नॉट आई बाई टी, टी नहीं होता, ये बी होता है, बी म्यू नॉट आई बाई बी। ठीक है, ये ऐसे होता है,
तो इन दोनों से अगर मैं बात करूं तो देखो सी बाई टी जो बचा या म्यू नॉट आई बाई बी बचा वो क्या बचा, सी बाई टी हो गया क्या, सी बाई टी हो गया। तो ये जो आई मिला अपने को, आई ये क्या मिला, इधर से सी इंटू बी अपॉन म्यू नॉट इंटू टी, ऐसा आ गया। क्लियर है क्या? चलो अब देखिए, हाँ बी मैग्नेटिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, पहले बता दिया था। आगे चलिए देखिए, डेल आई बाई डेल टी, ये वाली वैल्यू मैं यहां से कैलकुलेट करना चाहता हूँ। डेल आई बाई डेल टी मतलब आई का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो आई का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, कीपिंग बी कॉन्स्टेंट, बी चुंबकीय क्षेत्र को, बी को नियत मानकर, बी को नियत मानकर टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर, देखो बी को कांस्टेंट लेना पड़ेगा क्योंकि यहां पे बी कांस्टेंट है ना, कहाँ गया वो, इसमें बी कांस्टेंट है, तो बी को कांस्टेंट लेके टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो बी को कांस्टेंट लेके कर रहे हैं हम लोग, तो बी को कांस्टेंट लेके टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आएगा डेल आई बाई डेल टी, बी को कांस्टेंट ले लिया और इधर से आया सी, तो कांस्टेंट है वैसे, बी वैसे कांस्टेंट हो गया, म्यू नॉट वैसे कांस्टेंट है, टी का करेंगे तो टी स्क्वायर आएगा, माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आ गया। ये कोई इक्वेशन नंबर, नेक्स्ट ये 5 तक हो गया था, ये 6 हो गया। तो यहां से वैल्यू वहां पे पुट कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 से, बाय इक्वेशन 5 एंड 6, तो 5 एंड 6 से देखें तो क्या आ रहा है, ये वैल्यू पुट कर देता हूं यहां पे, ठीक है। तो डेल टी बाय डेल बी, डेल टी बाय डेल बी कॉन्स्टेंट एंट्रोपी माइनस, यहाँ पे माइनस था ऑलरेडी, तो टी अपॉन एम सी बी तो बाहर था, और इसका वैल्यू नीचे से रखना, टी अपॉन एम सी बी, टी अपॉन एम सी बी, और जो वैल्यू था ये इसका रखना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा सी बी अपॉन म्यू नॉट टी स्क्वायर, इन दिस वे टी टी से कैंसिल आउट हो जाएगा टी स्क्वायर से, तो यहाँ पे बचेगा सी बी अपॉन म्यू नॉट सी म्यू नॉट एम सी बी अपॉन टी, ये बचा, ठीक है। और यहां से आया डेल टी बाई डेल बी एट कॉन्स्टेंट एस, इसमें कॉन्स्टेंट लेते हैं हम लोग, ये जो है सी अपॉन म्यू नॉट इंटू एम, इसको कॉन्स्टेंट ए ले लेते हैं नियतांक के, कॉन्स्टेंट। अगर एम 1 मोल 1 ग्राम के लिए बात करते हैं, 1 ग्राम के लिए, तो ऑटोमेटिकली ये सी अपॉन म्यू नोट हो जाता है, 1 ग्राम के लिए सी अपॉन म्यू नोट है, तो कई जगह आप देखोगे सी अपॉन म्यू नोट को एक इक्वल लिखा हुआ है, इसका मतलब वहां पे 1 ग्राम ऑलरेडी कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। ये चीज है, तो ये जो आया है डेल टी बाई डेल बी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी, ये मिला अपने को ए, ये हो गया ए बी अपॉन सी बी कॉन्स्टेंट टी, सॉरी टेम्परेचर टी। आगे देखिए, ये ऐसा है डेल टी, और मैं इस टी को इधर ले आता हूँ, टी को, और ये बी को इधर ले आ जाता हूँ, ए सी बी डी बी, डेल बी, डेल बी को उधर ले गया, ये ऐसा है, ये देखो ए सी बी तो कॉन्स्टेंट है, इधर इंटीग्रेशन करते हैं, अभी इंटीग्रेशन की लिमिट लगाऊं, तो देखो हम लोग ऐसे समझते हैं कि इंटीग्रेशन टेम्परेचर, मान लो स्टार्टिंग में T1 था, जब मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा था तब टेम्परेचर T1 था, जब मैग्नेटिक फील्ड हटाया तो टेम्परेचर हो गया T2, तो जब मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा था तब मैग्नेटिक फील्ड था B, और जब हटाया तो 0 हो गया, ऐसे इसमें कैलकुलेट करो कितना टेम्परेचर में चेंज कितना होगा, वो कैलकुलेट करते हैं, पॉज करके कॉपी कर लेना, आगे चलते हैं।
इसका हो गया टेम्परेचर टी स्क्वायर बाई टू, लिमिट रखो टी वन से टी टू, और इधर ए अपॉन सी बी तो कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा बी स्क्वायर और लिमिट रखो बी जीरो, तो ये आ जाएगा टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर बाई टू, सॉरी बी का भी इंटीग्रेशन करेंगे तो बी स्क्वायर बाई टू आएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, ये आ गया ए अपॉन सी बी, टू से तो टू दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें बचेगा बी स्क्वायर का लिमिट पुट करेंगे तो जीरो माइनस बी स्क्वायर, और इधर ये आ गया, टू से तो टू कैंसिल आउट हो गया दोनों तरफ, या मैं ऐसे कैंसिल आउट कर देता हूँ, लो अब टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन सी बी, और ये माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से टी टू स्क्वायर जो आएगा वो आएगा टी वन स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन सी बी, ये मिल रहा है, पॉज करके कॉपी करना, मैं आगे चला रहा हूँ इसको। तो देखिए टी टू जो मिलेगा अपने को वो मिलेगा टी वन स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन सी बी की पावर वन बाई टू, ये मिलेगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आंसर सही आया है कि नहीं, अपना आंसर जो आया है आंसर बिल्कुल सही आया है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बी स्क्वायर अपॉन सी बी ठीक आया, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर आया और ये एकदम करेक्ट आंसर है। इसमें क्या हो रहा है देखो, एक चीज़ नोट करना, जो टेम्परेचर है टी टू वो टी वन से कम आएगा, क्योंकि टी वन में से कुछ माइनस भी हो रहा है यहाँ पे, टी वन के टर्म में अगर मैं बात करूँ तो टी वन टर्म में से कुछ माइनस भी हो रहा है, तो हमेशा जो टी टू है वो टी वन से कम आएगा, टी टू जो होगा वो टी वन से कम आएगा, और ये चीज क्या शो कर रही है, ये चीज ये शो कर रही है कि टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर कम होगा जब आप डीमैग्नेटाइजेशन करोगे, तो मतलब शीतलन होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा। तो यहां पे पॉज करके इसको छाप लेना, फिर एक लाइन लिखना, अतः विचुंबकन प्रक्रिया, रुदोष में विचुंबकन प्रक्रिया या विचुंबकन प्रक्रिया में अनुचुंबकीय लवण का तापमान, अनुचुंबकीय लवण का तापमान कम हो जाता है, 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 अर्थात शीतलन की क्रिया होती है, अर्थात शीतलन की प्रक्रिया होती है। Hence the temperature of paramagnetic salt decreases. Hence the temperature of paramagnetic salt decreases by adiabatic demagnetization method. ठीक है, मिल गया। तो इस तरीके से ये कम होता है, और ये जो टेम्परेचर है वो 10^-3 केल्विन तक कम हो जाता है, मतलब 0.0001 केल्विन तक कम हो जाता है, जो कि बहुत कम है, नियर टू जीरो है, तो जीरो केल्विन के आसपास तक पहुंचे, कभी जीरो केल्विन पहुंचे नहीं है हम लोग प्रैक्टिकली, लेकिन ये इतना है। ठीक है, ये आपके कूलिंग मेथड कंप्लीट हो गए। अब कुछ छोटे क्वेश्चन, जैसे हीलियम के बात करूंगा, हीलियम क्या होता है, हीलियम के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और कुछ छोटी छोटी चीज़ें हो रहे हैं, ठीक है, फिर ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है, ओके।